बहुत तेज बारिश हो रही है, देख सकते हो आप इधर हरियाली का नजारा। इनकी बारगाह में बेशक शेर भी झाड़ू लगाता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कई लोगों ने उस शेर को देखा भी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर जो है हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का मकाम है, उनका चिल्ला मुबारक है, जहाँ से हमेशा पानी जारी है। कितना ही सूखा पड़ जाए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पानी हमेशा मौजूद रहता है, और पानी की बहुत अच्छी तासीरात है, बीमारों को शिफाएँ मिलती हैं। किसी बहन की नहीं होती औलाद, तुम्हारे दादा परदादा से आज से नहीं है, ये शुरू से देते आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलती है लेके जाते हैं तो, और हर धर्म के लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं भाई हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, सरकार के करम से इनके बाप दादा के जमाने से वो फल दिया जा रहा है, और जिसको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी औलाद हुई है। بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم تمام ویورز کو میرا امید ہے سب آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آج کا نظارہ آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہو سبحان اللہ میں جہاں پر ہوں ایک چلہ مبارک کی حاضری کی میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ وہاں کی حاضری انشاءاللہ کرانی ہے سرکار غریب نواز کی اب صاحبزادی جو ہیں بی بی حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ वो आप नीचे देखोगे वो जो जगह है वो उनका चिल्ला मुबारक है जहाँ आपने चिल्ला किया था, और इंशाल्लाह वहाँ पर जो पहाड़ के आंसू हैं जब आप चिल्ले की जगह से जाने लगी तो जैसे हुजूर करीम नवाज़ की विदाई में जुदाई के अंदर में पहाड़ रोया था, वैसे ही इनकी भी जुदाई में भी पहाड़ रोया था, उस पहाड़ के आंसू आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इतनी आसानी से अपन यहाँ पर पहुँच नहीं सकते, ख़ास तौर पर इस बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम में नीचे पानी की आवाज़ आपको हो सकता आ जाएगी। इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा नीचे पानी का क्या माहौल है, पूरा वाटरफॉल झरना बहता है, वो काफ़ी तेज़ी में बह रहा है आज, क्योंकि तीन दिन से लगातार बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा थोड़ा थोड़ा आपको नीचे दिखाता हुआ चलूँगा रास्ते को, और जो चिश्तिया शिजरा चैप्टर 6 है इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग आज हम करेंगे। आज हम आपको बताएँगे हज़रत ख्वाजा अलू ममशाह दीन वरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, वो बहुत पहुँचे बुज़ुर्ग हैं। हज़रत ख्वाजा अलू ममशाह दीनवरी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत दिनूर कस्बे में हुई थी, जो कि बगदाद और हमदान के बीच में मौजूद है। आपकी पैदाइश दौलतमंद ख़ानदान में हुई, और बचपन से ही आपको ज़रूरतमंद लोगों के काम आने का बहुत शौक़ था, आप बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों के काफ़ी काम आया करते थे, और कोई भी सवाली आपके घर से खाली नहीं जाया करता था। उसके बाद आपके ज़िंदगी में वक्त आया जब आपके दिल में इश्क इलाही जागा, तो इश्क इलाही की आग ऐसी जगी आपके दिल में कि उसने तमाम दुनियावी ख्वाहिशात से आपको दूर करना शुरू कर दिया। फिर एंड में ये होता है कि आप तमाम जो भी जागीर थी आपकी, जो भी पैसा वगैरह था, वो दुनियावी जो भी चीज़ उनको जोड़ी हुई थी दुनिया से, नफसानी चीज़, तमाम जायदाद पैसा वगैरह को ज़रूरतमंद लोगों को बांट करके आप राह हक के लिए निकल पड़े, और पीर कामिल की तलाश आपको बहुत थी। तो उसी सिलसिले में रिवायतों में ये भी आता है कि अपने पीर कामिल की तलाश में आपकी मुलाकात हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई, और हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने ही आपको हज़रत ख्वाजा हबीरा बसरी रहमतुल्लाह अलैह का पता बताया। तो जब आप हज़रत ख्वाजा हबीरा बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचते हैं, आप उनके मुरीद हुए, उसके बाद आपने बहुत ही अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत करी, बहुत मुश्किल हालात के अंदर गुजरते हुए अपने इस इबादत गुजार मुरीद को देख कर हज़रत ख्वाजा हबीरा बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अलू तुम खुदा के बहुत करीब हो, और तुम्हारा दर्जात इंशाल्लाह बहुत बुलंद होंगे। और फिर आपने आपकी इबादत और रियाजत देख करके एक हफ़्ते में आपने हज़रत ख्वाजा हबीरा बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको तमाम इल्म बातिनी अता फरमा दिया, और उसके बाद आपको फरमाया कि तुम मेरी जगह लोगों की मदद करने के लिए लोगों के मददगार बनोगे और उनको सही रास्ता बताओगे। तो आप बहुत इबादत गुजार बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, और रिवायतों में ये आता है कि आप जब किसी को नसीहत दिया करते थे तो वे बहुत वो नसीहत उनके दिलों में समाया जाया करती थी,
बहुत लोग उस नसीहत को गौर से सुना करते थे और अमल किया करते थे। ऐसे ही रिवायतों में है कि एक मरतबा आपका गुज़र एक बुतखाने की तरफ से हुआ और उस बुतखाने में काफ़ी बुतपरस्त जमा थे। आपने उन लोगों को हिदायत दी कि जिस खुदा ने तुमको तमाम मखलूक को बनाया है उसका शुक्र छोड़कर, उसकी इबादत करना छोड़कर तुम बुतों की इबादत करते हो, जो तुम ही बनाते हो वो बुत खुद तुम्हारे मोहताज हैं। यह नसीहत उन बुतपरस्तों पे ऐसी दिलों पे पहुंची कि तमाम लोग उसी वक्त मुसलमान हो गए। हज़रत ख्वाजा अलू ममशाह दीनवरी रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत देख करके हज़रत ख्वाजा हबीरा बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको एक हफ़्ते में ही तमाम बातिनी इल्म से सराबोर कर दिया, तमाम रूहानी इल्म अता फरमा दिया और आपको खिलाफत अता फरमाई और आपको जो कंबल जो आपको हज़रत ख्वाजा हबीरा बसरी रहमतुल्लाह अलैह को जो कंबल मिला था वो कंबल भी तबरुकात के तौर पे आपको दिया। 14 मुहर्रम 319 हिजरी को आपका विसाल मुबारक आपके कस्बे में भी हुआ, वहीं पे आपका मज़ार मुबारक है। अभी हम जी एक बारगाह में हाजिरी करने आए हैं पैदल, ये हज़रत तकी नकी सरकार की बारगाह है जो हमने लास्ट वीडियोस में आपको दिखाई थी, ज़ियारत भी कराई यहाँ की, तो यहाँ पर हमने सलामी कर ली है। इनके उर्स मुबारक सरकार के 18 और 19 रजब को होते हैं और इनकी बारगाह में बेशक शेर भी झाड़ू लगाता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कई लोगों ने उस शेर को देखा भी है, तेंदुआ है, लेपर्ड है और अल्लाह के वलियों की रूहें हैं, अल्लाह वह बेहतर जानता है। जो बुजुर्गान दीन यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं, कई शहीद हैं यहाँ पर में, कई सांप बिच्छू यहाँ जंगलों में आपको देखने को मिलेंगे लेकिन किसी का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं वो लोग। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो हम तकीने की सरकार की बारगाह में आए हैं, यहाँ से आप देख ज़ियारत कर सकते हो हमारे पुराने वीडियोस में, यहाँ के हमने पूरी मुकम्मल ज़ियारत भी कराई है, दुआ खैर भी करी है, उसको आप देख सकते हो। इंशाल्लाह अब हम आगे की ओर चलेंगे जो चिल्ला हज़रत बीबी हाफिज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैह का, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ की ज़ियारत अब हम आपको कराएंगे। ये हमारे भाई लोग आ रहे हैं नीचे से, सद्दाम भाई सलाम अलैकुम। कैसा माहौल है भाई नीचे? बढ़िया माहौल है, बारिश बारिश पानी पानी बड़ा अच्छा है नीचे। चलो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, इंशाल्लाह दिखाते हैं। चलिए आगे चल रहे हैं, ये गंज शहीद है, ऐसे लास्ट वीडियोस में हमने आपको दिखाया, ज़ियारत कराई है। हमारा भाई फैजान भाई भी इधर है यहाँ पे मौजूद, हम इसको ढूंढ रहे थे कब से, 3 दिन से बारिश में नहा रहा है माशाल्लाह। और अब जा रहा हूँ, आप नीचे इंतजार कर रहे थे आपका, अब जा रहे हैं यार, पानी रुका तो अरे पहले आना चाहिए था, बहुत अच्छी वीडियो नहीं, नहीं बन पाती ढंग से। जाओ आप पूरी मौज करो इंशाल्लाह, पूरा कैच करो फोन के अंदर। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं हम धीरे धीरे, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी फिसलन वाला रास्ता हो जाता है ये, और हरियाली भी रहती है तो कुछ जंगली जानवर भी आ सकते हैं, अपनी सेफ्टी से जाना बेहतर है। सामने का नज़ारा सुभान अल्लाह है माशाल्लाह, वाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे बादलों की चादर से ढका हुआ है पहाड़, तारागढ़ पहाड़। यहाँ हम नीचे की ओर जा रहे हैं अब। हाँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम करीब करीब आधा रास्ता नीचे उतर गए हैं, सामने बीबी हाफिज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक है, अब हमको थोड़ा नीचे जाना है। ये पूरी वैली है तारागढ़ वैली, पूरा पानी की आवाज़ सुन सकते हो आप, पानी आ रहा है, झरना बह रहा है, लोग बाग नहा रहे हैं झरने में इधर नीचे में, और पूरी ग्रीन हो गया है पूरा माहौल, पूरी ग्रीनरी है, बादलों की आवाजाही हो रही है ऊपर। ये भी बुजुर्ग हैं, शहीद हैं, मज़ारात हमको रास्ते में देखने को मिलते हैं। ये पुराने टाइम में ये टंकी है जो पानी मोटर से इस टंकी में स्टोर किया करते थे, फिर यहाँ से लोग बाग बाल्टी या पीपा कनिस्टर बोलते हैं ना, उसमें भर भर के ऊपर लेके जाया करते थे, क्योंकि ऊपर में वाटर सप्लाई था नहीं, जो पाइप था वो यहाँ तक ही आया था, यहाँ से ये लोग ऊपर लेके जाते थे और जो वजू करना पीने का पानी सब ऐसे ही इस्तेमाल होता था पुराने टाइम में। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह वाटर सप्लाई अच्छी तरह हो चुकी है, कुदरती पानी जो बोरिंग है एक अल्लाह की दीवी, वहाँ से पानी हमेशा आता रहता है। जो मकाम है ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का, वहाँ की भी इंशाल्लाह आपको ज़ियारत आज मैं कराऊँगा, क्योंकि पानी पर हुकूमत है ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम की, तो वहाँ पे उनका चिल्ला मुबारक कहते हैं, मकाम कहते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। सब बुजुर्गान दीन है, बहुत पहुँचे हुए वली अल्लाह हैं या नबी हैं, कहीं क्लियर है नहीं,
कई रिवायतों में वली कहा गया है आपको और कई रिवायतों में नबी कहा गया है। और कुरान में आपका जिक्र आता है कि आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ाया है, और भी काफ़ी रिवायतों में हज़रत ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम का जिक्र आपको सुनने को मिलेगा। चलिए अब नीचे की ओर चल रहे हैं हम। पूरा पहाड़ी रास्ता है, डेंजर है, अपनी सेफ्टी से आया हो यहाँ पर। ये सब इंसानों की बनाई हुई दीवार वो है रास्ते, ये चट्टान जो सेट हुई है ना यहाँ पर, ये सब इंसानों की, तो इंसानों ने बनाई थी जो पुराने दौर में आते थे। तो ये पुराना रास्ता ये जहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ से उस वक्त में घोड़े वगैरह जाते थे, फौजें जाती थी, होगी चेक पोस्ट था ये, जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था तमाम चेक पोस्ट के बारे में, तारागढ़ वाली में वीडियो देखा देखी होगी आपने, उन्हीं चेक पोस्ट पर एक चेक पोस्ट ये भी है। चलिए अंदर चल रहे हैं, जंगल भी घना हो रहा है, पानी की आवाज़ भी तेज़ आ रही है, बारिश आज सुबह से काफ़ी तेज़ थी तो कपड़े पूरे भीग चुके हैं, कपड़े चेंज करने का वक्त भी नहीं है और कपड़े भी सूखे हुए नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हाल, बेशक वो रब्बुल आलमीन है। ये पूरी पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत मंज़र है, पानी यहाँ भरा हुआ दिख जाएगा आपको, थोड़ा बहुत यहाँ से दिख सकते हो आप। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हम हज़रत तकीने की सरकार की बारगाह में ऊपर थे, यहाँ से हम नीचे आए अभी, यहाँ नीचे आकर के अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर जो है हज़रत ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम का मकाम है, उनका चिल्ला मुबारक है जहाँ से हमेशा पानी जारी है, कितना ही सूखा पड़ जाए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पानी हमेशा मौजूद रहता है, और पानी की बहुत अच्छी तासीरात है, बीमारों को शिफाएँ मिलती हैं क्योंकि अल्लाह के वली की ज़ात पाक जुड़ी हुई उनसे, उस पानी से। और आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं, वहाँ पर ज़ियारत भी कराते हैं। आइए, रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है, झरने का पानी है, पहाड़ों का पानी है बारिश की वजह से, अब जाके थोड़ी धूप निकली है क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है बहुत ज़ोरदार। थोड़ा देखभाल करके चलिए, यहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत बारिश के टाइम में हमें निकल जाते हैं, सांप बिच्छू वगैरह केंकड़े भी हैं बहुत, ख़ास तौर पे सांप ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन बुज़ुर्गान दीन की दुआ है किसी को नुकसान पहुँचाते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ऊपर की तरफ चल रहा है, पानी बहुत स्पीड से आ रहा है ऊपर से, ये पानी का झरना आप इधर से देख सकते हो, पहाड़ों का पूरा पहाड़ों का पानी है, ये एक्चुअल में मिनरल वाटर कहलाया जाता है, अल्लाह के वलियों की बारगाह है, इनके गुज़र है यहाँ पर, उनकी दुआओं का असर है, इस पानी में बहुत शिफा है, रूहानी शिफा भी है और जिस्मानी शिफा भी बहुत मिलती है। अब वालेकुम सलाम बाबा, ये भाई पानी की सफाई कर रहा है भाई, देखो भाई खिदमत कर रहा है, अल्लाह की खिदमत कबूल करे, ख्वाजा खिज़्र बाबा खिदमत कबूल करें। ये पानी आप देख सकते हो वहाँ पे ज़ियारत है मुबारक है, जो मकाम है ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम का, मैं थोड़ा पानी कुल्ली करके यहीं से दुआ खैर कर लेता हूँ, वजू करने में भी आता है, पानी पीने में भी आता है। पानी की स्पीड बहुत तेज है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, हम चिल्ला मुबारक पे पहुँच गए हैं, जो कि है हज़रत ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम का। यहाँ पर आप ज़ियारत कर लो, ज़ियारत करने के बाद जो दुआएं खैर है वो हम आगे करेंगे, जो चिल्ला है सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की साहबज़ादी हैं, जो बीबी हाफिज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका चिल्ले मुबारक पे ज़ियारत करा के वहाँ पर मैं आपको दुआ खैर कराऊँगा। यहाँ से आप जब तक थोड़ा ज़ियारत कर लो और पानी का मंज़र देख लो, सुभान अल्लाह, ये बारिश का पानी है जो पहाड़ों से नीचे गिर रहा है, काफ़ी हरियाली हो गई है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, यहाँ ज़ियारत करा दी आपको। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हम पीछे से आए हैं,
वहाँ जो हमने दिखाया था, ज़ियारत कराई थी आपको मकाम हज़रत ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम, वहाँ से हम आगे की तरफ आए हैं जो चिल्ला मुबारक है हज़रत बीबी हाफिज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैहा। तो रास्ते में ये पानी की आवाज़ आप सुन सकते हो, ये झरना वाटरफॉल मैंने आपको बताया था। थोड़ा आगे देखिए, आगे आके कि पानी यहाँ से जा रहा है नीचे, और वहाँ पर बच्चे वगैरह नहा रहे कर रहे हैं, देख सकते हो। ये एक फेमस पिकनिक स्पॉट भी है, हैप्पी वैली नाम है इस जगह का। तो बारिश के टाइम में काफ़ी लोग पिकनिक वगैरह मनाने यहाँ पर आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, चिल्ला मुबारक की ज़ियारत आपको करानी है और वहाँ पर दुआ खैर भी करनी है तमाम लोगों के लिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अल्लाह आपको भी इन ख़ास जगहों पर आने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये जगहें ऐसी हैं कि हर आदमी आसानी से यहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल रास्ता है। आप देख सकते हो पहाड़ी इलाका है, पथरीले रास्ते हैं, बारिश हो रही है, तो काई जमने से पाँव स्लिप होने का डर है काफ़ी। फिर भी हम आपके लिए मेहनत करके जा रहे हैं, तो आप लोगों को इस जगह की हाजिरी करानी है। वालेकुम सलाम भाई, हरीत भाई, ये देख सकते हो आप यहाँ का नज़ारा। इन चट्टानों से पत्थरों से होते हुए हमको नीचे जाना है, फिर एंड में हमको चिल्ले मुबारक की जो चढ़ाई है वापस से तय करनी है। यहाँ से भी पहाड़ों का पानी आप लेफ्ट साइड में मेरे देख सकते हो आ रहा है ऊपर से। सुबह से जो बारिश हो रही है वो पानी है, ये पूरा पानी रिसता हुआ पहाड़ों से नीचे जाता है। और यहाँ पर जो आगे आकर एक जो डैम मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, ताकसीद बाबा की ज़ियारत जो लास्ट वीडियो में मैंने कराई है, वो डैम के वहाँ पर ये तमाम पानी जाकर जमा होता है। अगर वो डैम ना हो तो जो आगे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर ये पानी जाकर के नुकसान पहुँचा सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर नीचे आ गए हैं अभी वाटरफॉल में, अब आगे की तरफ चल रहे हैं। ये रास्ता बहुत डेंजर है, बहुत स्लिपरी है, ध्यान से आना पड़ेगा यहाँ पर आपको। एक मिनट, ये पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है देख सकते हो आप। यहाँ हमको थोड़ा आगे और जाना है चिल्ला मुबारक की जो ज़ियारत आपको करानी है। वालेकुम सलाम भाई, ये रास्ता जो आप देख सकते हो ऊपर, ये जो चिल्ला मुबारक है हुज़ूर ग़रीब नवाज़ की साहबज़ादी बीबी हाफिज़ जमाल, जो कि आप माँ के पेट से ही हाफिज़ कुरान पैदा हुई थी, ये आपका मौजज़ा था, करामत थी। चलिए आइए ऊपर चलते हैं। ये रास्ता है, थोड़ा स्टीप है, खड़ा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हम चिल्ला मुबारक की तरफ आ गए हैं, चिल्ला मुबारक ऊपर में ही है, ऊपर की तरफ चल रहे हैं अब हम लोग। आपको इंशाल्लाह ज़ियारत कराते हैं और दुआ खैर भी इंशाल्लाह हम ऊपर में करेंगे तमाम लोगों के लिए। बहुत ही स्टीप चढ़ाई जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पर पानी भी आ रहा है तो चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, और काफ़ी जंगली जानवर वगैरह भी हैं जो मैंने आपको बताया, सांप बिच्छू वगैरह हैं यहाँ पर काफ़ी, जो बरसात में ख़ास तौर पर ज़मीन से निकल के आ जाते हैं सामने। खैर कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, ये बुज़ुर्गान दीन की दुआ है, करम है गरीब नवाज का। अब हम करीब करीब ऊपर आ गए हैं, इंशाल्लाह जूते वगैरह उतार करके वज़ू करके आपको दुआ में शामिल करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ी देर में वज़ू कर लेते हैं पहले। हाँ तो दोस्तों हमने वज़ू कर लिया है और अब हम अंदर चलेंगे जो चिल्ला मुबारक है। आपको सरकार गरीब नवाज़ की साहबज़ादी बीबी हाफिज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैहा उनके चिल्ले मुबारक की ज़ियारत भी कराएंगे, और उससे पहले मैं ये दिखाऊंगा यहाँ पर जो किन्नर का मज़ार है, जो कि फेमस एक मज़ार है, इसके सरकार बीबी हाफिज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैहा की दुआ से उसकी औलाद हुई थी। तो दोनों बच्चे का मज़ार और जो माँ थी जो किन्नर था वो, उसका मज़ार भी यहाँ पर है, माँ बेटे दोनों यहाँ पे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ भी आते हैं। और चलिए अब अंदर चलते हैं, तो चिल्ला मुबारक है सरकार की साहबज़ादी रहमतुल्लाह अलैहा का, फूल देना अम्मा मेरे को।
السلام عليك يا حبيب الله صلاة السلام عليك يا نبي الله صلاة السلام عليك يا رسول الله صلاة السلام عليك يا سيدا ہمارا سلام قبول فرمائیے سیدہ آپ کی بارگاہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوستو یہ سرکار غریب نواز کی صاحبزادی سیدہ بی بی حفیظ جمال رحمۃ اللہ علیہ ان کا چلہ مبارک ہے یہاں پر آپ نے چلہ کیا تھا چلہ کشی کہتے ہیں جو 40 دن ایک جگہ پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس جگہ کو چلہ بولا جاتا ہے اور اس جو وقت گزرتا 40 دن کا اس کو بھی چلہ کہا جاتا ہے تو آپ نے یہاں پر 40 دن چلہ کشی کری تھی اور یہاں پر میں پہاڑوں کے آنسو آپ دیکھ سکتے ہو اوپر میں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا پہاڑوں کے آنسو آج بھی موجود ہیں کوئی پینٹ وغیرہ نہیں ہے جیسے حضور کریم نواز کے چلہ مبارک میں پہاڑوں کے آنسو موجود ہیں ویسے یہاں بھی موجود ہیں یہاں پہ آگے آ سکتے ہو بارش کا پانی پہاڑوں سے اندر آ رہا ہے تھوڑا یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ آنسو ہے یہاں پر میں اور بھی دیگر یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں ہیں اور اوپر میں کافی ہیں یہ رہے آنسو جیسے حضور کریم نواز کے چلہ مبارک میں آنسو آپ کو دکھائے تھے ویڈیو میں ویسے ہی آنسو یہاں بھی موجود ہیں آپ ہمارے کے ویڈیو کے ذریعے یہ چیز دیکھ سکتے ہو یا زیارت کر سکتے ہو اس مبارک جگہ کی تو یہاں پہ آپ نے چلہ مبارک کیا تھا تو انشاءاللہ ہم دعا خیر کرتے ہیں ادھر سے آئیں گے دعا خیر قبلہ رخ کر کے دعا کریں گے صلی اللہ علیہ محمد نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقین اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسدین اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس الفاتحہ یا الہ العالمین یہ پاک کلام میں نے پڑھا اس پاک کلام کو تیری بارگاہ الہیہ میں پیش کرتے ہیں اس کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما اس کا ہدیہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک کو پہنچاؤں اس مقام محمود فائز فرما جن کا ان سے دونوں وعدہ فرمایا بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا اور اس کا نذرانہ تمام انبیاء احترام تمام ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ احترام تمام اہل بیت تمام تابعین تبع تابعین تمام شہیدان اسلام تمام شہیدان کربلا تمام غوث تمام ابدال تمام دستگیر تمام کتب تمام خواجہ تمام کلندر تمام اولیاء اللہ تمام مجذوب تمام مومن و مومنات تمام مسلم و مسلمات اور تمام مرحومین کو اس کا نذرانہ درجہ بدرجہ پہنچا بالخصوص اس پاک کلام کا نذرانہ سرکار غریب نواز کی صاحبزادی بی بی سیدہ حفیظ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ان کی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما جو کچھ پڑھا تیری بارگاہ میں اس کو تیری بارگاہ میں قبول کر میرے مولا جو پڑھنے میں غلطی غصہ کی گئی اس کو جانے جانے اس کو معاف عطا فرما بے شک تیری ذات رحمان و رحیم ہے میرے مالک اللہم انت السلام و منت السلام و علیک الرجوع السلام حینا ربنا و اسلام و ادخلنا الجنۃ دار السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذو الجلال و الاکرام اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار و قنا عذاب القبر و قنا عذاب الحشر و قنا عذاب الدین و قنا عذاب الدارین صلاۃ السلام لے گئے حضور سرکار غریب نواز صلاۃ السلام لے گئے حضور سیدہ بیبیاں سیدہ حفیظ جمال سرکار ہمارا سلام قدم وسیع قبول فرمائے حضور آپ کے پاک مبارک جگہ پر حاضر ہیں سلامی دی ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ اللہ کے ولی اللہ کے حبیب حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے سرکار ہمارے لیے جو بھی لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے اس مبارک جگہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ ان کے گھروں میں جو بھی بیماری ہے بیماریوں کو شفا کامل ہو عطا فرمائیے حضور اب اللہ کے ولی حبیب بندے ہیں سرکار دعا خیر عطا فرمائے ہمارے تمام لوگوں کے لیے جو لوگ مقروض ہیں اس سرکار سے نجات عطا فرمائے سرکار جن کے گھروں میں بچے جوان ہیں بچوں کے لیے نیک رشتہ عطا فرمائے جو لوگ نا اولاد ہیں
उनको नेके साले औलाद अता फरमाए खाए साहब। बेशक अल्लाह ताला ने अपने तमाम खजाने आपकी ज़ात पाक पर खोल रखे हैं, तो आप जिसे चाहें दे सकते हैं सरकार। हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल कीजिए हुज़ूर आपकी बारगाह में। हम गुनाहगार हैं गुस्सा के सरकार, गुनाहगार हैं गुस्सा के सरकार, तौबा है सरकार, तौबा कबूल फरमाए अल्लाह की बारगाह में। हमारी तौबा कबूल ऐसी तौफीक अता फरमाए सरकार के दिमाग सरकार। आलम इस्लाम को बोल वाला अता फरमाए सरकार। खिदमत खल करने की तौफीक अता फरमाए उनको हुज़ूर सरकार। या सुल्तानुल हिंद करीम नवाज मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीब अल्लाह इन बेज़निल्लाह मदद कीजिए हुज़ूर हम सब के खुदा रा फी सबीलिल्लाह बगरदाबे बला अफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस सरात पुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। वकाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान अज़मत हबीब अल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातो सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहक़ल मैतीब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों हमने यहाँ इस मुबारक जगह की ज़ियारत आप लोगों को करा दी है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम बाहर की ओर चलते हैं, रास्ता देख सकते हो आप कैसे जाना पड़ता है झुक करके, काफ़ी छोटी जगह है बाहर निकलने के लिए और बारिश का पानी भी बहुत है। हाँ तो दोस्तों हम अभी ज़ियारत करके अंदर से चिल्ला मुबारक से बाहर आ चुके हैं। कुछ आपको जानकारी देनी थी, यहाँ पर एक पेड़ है सामने जो बूंदी का पेड़ है, बूंदी कहते हैं ना, उसके फल से औलाद जिसके ना हुई हो सरकार गरीब नवाज की साहबदादी की दुआ है उस फल से उनकी औलाद हो जाती है। और काफ़ी लोग मन्नत उतारने आते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की जिन जिनके 15 साल 20 साल से औलाद नहीं थी सरकार की साहबजादी जो है उनकी दुआ से वो फल खाने से उनके औलाद हुई है, तो वो लोग यहाँ मन्नत उतारने आते हैं। पहले फल वो आज भी दिया जाता है, वो फल आज भी यहाँ से दिया जाता है, यहाँ पे खिदमत करते हैं। भाई आपका नाम फिरोज भाई, यहाँ पे खिदमत करते हैं चिल्ला मुबारक पे। तो किसी बहन के नहीं होती औलाद, तो हमारे दादा परदादा से आज से नहीं है, ये शुरू से देते आए हैं और इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलती है लेके जाते हैं तो। और हर धर्म के लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये कह रहे हैं भाई हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं सरकार के करम से, इनके बाप दादा के ज़माने से वो फल दिया जा रहा है और जिसको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी औलाद हुई है। उनकी दुआ है सरकार गरीबनाथ की साहबजादी मुबारक की, बेशक अल्लाह वालों की दुआ है जी हकीकत में। उम्मीद करता हूँ जो चिश्तिया शिजरा चैप्टर 6 मैंने आज आपको बताया है रत ख्वाजा अलू ममशाह दीन वरी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में, वो शिजरा जैसे मैं आपको तो बताता हूँ हमेशा कि जो किताब है रेफर्ड है चिश्तिया शिजरा मोइनुल औलिया किताब से, इसको लिखा है सैयद नज़ीर अली साहब ने। और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं जानकारी दूंगा जो और भी बुजुर्गान दीन हैं सरकार गरीब नवाज के सिलसिले के पहले के जो कैसे कैसे आपको तबरुकात आपको तमाम मिले वो भी इंशाल्लाह जानकारी देंगे। तो अभी के लिए अब हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आपको इस मुबारक जगह की ज़ियारत कराइए। तो दुआ में आप लोग भी हमको याद कीजिए और हम भी इंशाल्लाह आपको दुआ में हमारी याद रखेंगे। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।